धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धौलपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। धौलपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने एक प्रेस नोट जारी कर धौलपुर जिला पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला अध्यक्ष वर्मा ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस प्रशासन भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहा है। अभी हाल ही में हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय सिंह परमार के छोटे भाई व भाजपा कार्यकर्ता ओमवीर सिंह परमार को निहायती झूठे मुकदमे में फंसाकर और होली जैसे त्यौहार पर अनैतिक रूप से दबाव बनाने के लिए राजनीतिक इशारे पर कार्रवाई कर ओमवीर सिंह परमार को गिरफ्तार कर लिया है। यह बेहद निंदनीय कार्य है। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि भाजपा अपने किसी भी कार्यकर्ता पर आँच नहीं आने देगी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। देखिए, धौलपुर में पुलिस की प्रशासन की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमरा चुकी है, वेंटिलेटर पर आ चुकी है। आज अपराधियों में से पुलिस का बिल्कुल भय निकल चुका है। आज व्यापारी पीड़ित है, महिलाएं पीड़ित हैं, व्यापारियों की दुकान जबरन खाली कराई जा रही है, व्यापारियों के साथ आए दिन लूट हो रही है, चोरी हो रही है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं हो रही है, रेत माफियाओं का इस तरह आतंक है कि चलते हुए लोगों को, खड़े हुए लोगों को कुचलने का काम कर रहे हैं। पूरी तरह से प्रशासन का और पुलिस का डर अपराधियों के दिल से निकल चुका है। इसके बावजूद पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरह से व्यवहार कर रही है, राजनीतिक दबाव में झूठे लोगों को फंसाने का काम कर रही है। आज हमारी बैठक में ये तय हुआ है कि अगर निष्पक्षता के साथ जांच करके अगर न्याय नहीं किया और जिन लोगों ने व्यापारियों को, जनता को पीड़ित करने का, परेशान करने का काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो निश्चित रूप से जनता की पीड़ा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। जय हिंद, जय भारत। रायाखेड़ा के चौथ के दंगल स्थगन को लेकर चेयरमैन ने की प्रेस वार्ता। रायाखेड़ा के विशाल चौथ दंगल के स्थगन को लेकर आज रायाखेड़ा नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह यादव ने फर्स्ट ट्रैक के माध्यम से दंगल स्थगन को लेकर अपनी आवाज आम जनता तक पहुंचाने की अपील की। 1956 से प्राचीनतम दंगल चौथ का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति होली के बाद चौथ को किया जाता है। इस बार वैश्विक कोरोना महामारी के चलते माननीय जिला कलेक्टर महोदय आर के जायसवाल साहब ने हमें इस आयोजन को कराने की अनुमति नहीं दी है। उसके बाद हमने नगर पालिका मंडल की आपात बैठक बुलाई, सभी सदस्यों ने एक राय हो करके माननीय जिला कलेक्टर के आदेश की पालना करने का निश्चय किया है। साथ ही यह भी तय किया है कि इस कोरोना महामारी के समाप्त होते ही इस दंगल को हम पुनः आयोजित कराएंगे। तो मैं जो भी आम नागरिक हैं और जो पहलवान बंधु पूरे भारतवर्ष से इस दंगल में भाग लेते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूँ कि कोरोना के चक्कर में ये दंगल आयोजित नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में अगले वर्ष बहुत अच्छे तरीका से, या जब भी कोरोना समाप्त होगा, बहुत अच्छे तरीका से इस दंगल का आयोजन हम करेंगे। आप सबके लिए, खेत के लिए बहुत धन्यवाद। सैपुर क्षेत्र में घायल अवस्था में खेतों में पड़ा मिला युवक। धौलपुर जिले के सैपुर थाना क्षेत्र के कैथरी गांव में शनिवार को खेतों में 20 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया है। उसके अलावा युवक के सिर में भी गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। मामले की सूचना पाकर घायल युवक के परिजन मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने नाजुक हालत में जिला अस्पताल धौलपुर के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां युवक की नाजुक हालत में उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार से युवक घर से गायब था। गीता देवी निवासी संतर रोड थाना इलाका निहालगंज धौलपुर ने बताया कि उसका 20 वर्षीय बेटा अरुण पुत्र मनोज कुमार बीती रात से घर से अचानक गायब हो गया था। पीड़िता ने अपने पुत्र की शहर में एवं आसपास तलाश कर रही थी, लेकिन युवक का सुराग नहीं लग सका।
पीड़िता ने बताया उसको ग्रामीणों ने मोबाइल द्वारा सूचना दी कि उसका पुत्र सैपव थाना क्षेत्र के गांव कैथरी के खेतों में गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसे सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। पीड़िता ने बताया मौके पर जाकर देखा तो युवक की गर्दन पर गंभीर घाव थे। गर्दन पर किसी धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया है। इसके अलावा युवक के सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर पहुंचकर युवक को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की नाजुक हालत बताई जा रही है। घटना को पीड़िता ने स्थानीय न्यायालय थाना पुलिस के समक्ष रिपोर्ट पेश कर दी है। पुलिस ने घायल युवक का मेडिकल कराकर जांच शुरू कर दी है। सुबह एक रात से मेरा बेटा गायब है और सुबह एक फोन आया है, किसी गांव वाले ने किया है, ने कहा है कि एक तुम्हारा बच्चा किसी खेत में पड़ा है, सैपो के पास कोई खेत है वहां पे पड़ा है, और बस इतना कहा है। और मैं गई हूँ वहां पर, वहां पे जाके मैंने देखा है तो वहां पे एम्बुलेंस में मुझे अपना बच्चा पाया गया है। अखिल भारतीय छत्री महासभा धौलपुर का होली मिलन समारोह संपन्न। अखिल भारतीय छत्री महासभा धौलपुर द्वारा भरतपुर संभाग अध्यक्ष अशोक सिकरवार की अध्यक्षता में आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राजपूत समाज के लोगों ने भाग लिया और सामाजिक एकता का परिचय दिया। समारोह को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय छत्री महासभा ट्रस्ट सरनाम सिंह सिकरवार ने कहा कि सभी को एक दूसरे का मिलजुल कर सहयोग करना चाहिए, चाहे वो किसी संगठन से हो। प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह भदौरिया ने कहा कि हम सब राजपूत समाज से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन किस संगठन से है, हमें समाज के लिए कार्य करना है। प्रदेश प्रभारी राधेश्याम परमार ने संगठन की मजबूती पर विचार प्रकट किए। बैठक में कार्यकारी पदाधिकारियों व सदस्यों के कार्यों पर चर्चा की गई। संभाग अध्यक्ष अशोक सिकरवार ने कहा कि आज होली मिलन समारोह है, इस कार्यक्रम में सभी सदस्य आपसी मतभेद बुलाकर यहाँ उपस्थित हुए, ये बहुत खुशी की बात है। कार्यक्रम में पधारे सभी लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जिला संरक्षक लाखन सिंह परिहार, रक्षपाल सिंह परमार, लोकेंद्र सिंह परमार, शिवम सिंह चौहान, धीरेंद्र सिंह परमार, सचिन चौहान, मानू परमार, राजेंद्र सिंह परमार, सुशील सिंह, भरत परमार आदि राजपूत समाज के लोग मौजूद रहे। शेरपुर विद्यालय में नव प्रवेशित छात्रों को बांटे स्कूल बैग। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में आज बैग वितरण समारोह का आयोजन सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी शिवदत्त शर्मा के मुख्य आतिथ्य एवं संस्था प्रधान राजेश शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी हुए वरिष्ठ पत्रकार उमेश मिश्रा तथा बाल कल्याण समिति के सदस्य ब्रजेश मुखरैया मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों ने कक्षा 6 व 7 के 70 नव प्रवेशित विद्यार्थियों को मोनोग्राम युक्त स्कूल का नाम लिखे बैग प्रदान किए। होली के त्यौहार पर नया आकर्षक स्कूल बैग मिलने पर छात्रों के चेहरे खुशी से दमक उठे। मुख्य अतिथि शिवदत्त शर्मा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में उनके शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि होती है, इसके लिए उन्हें विद्यालय में अभिभावक की भूमिका का भी निर्वहन करना होता है। समाज सेवी व वरिष्ठ पत्रकार उमेश मिश्रा ने कहा कि बच्चों को बैग वितरण से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही छात्र उत्साह के साथ स्कूल पहुँचते हैं। विशिष्ट अतिथि बाल कल्याण समिति के सदस्य ब्रजेश मुखरैया ने कहा कि शिक्षक समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्तित्व होता है। प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने स्वागत भाषण में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि पिछले महीने ही स्कूल को 8वीं तक क्रमोन्नत किए जाने के बाद कक्षा 6 व 7 का संचालन शुरू किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यालय के संस्था प्रधान राजेश शर्मा, अध्यापक रमाशंकर, सौरभ राजपूत, सत्येंद्र कुमार, तराना देवी, डॉक्टर अतर सिंह बघेल, साहब सिंह, वकील, अध्यक्ष करक सिंह आदि ने अतिथियों का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज कक्षा 6 और 7 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों को भामाशाहों के सहयोग से स्कूल बैग प्रदान किए गए। स्कूल निजी प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल के बच्चे भी अपने मोनोग्राम नाम लिखा हुआ बैग अपने कंधे में डाल के उनको भी ऐसा लगेगा कि हम एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट के मालिक व समाज सेवी हरि निवास शर्मा प्रधान धौलपुर की ओर से समस्त धौलपुर जिले वासियों को एवं देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह होली आप सभी के जीवन में खुशियों का रंग भर दे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपको होली की बहुत बहुत बधाई। धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवा
पत्नी पूर्व विधायक बीएल कुशवा धौलपुर की ओर से समस्त धौलपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों एवं धौलपुर जिले वासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी खुश रहें और इस होली पर आपसी गिले शिकवे दूर कर प्रेम भाव बनाए रखें। धौलपुर जिले वासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। इस त्यौहार को बड़ी खुशी से और बड़े उत्साह से मनाएं। भाइयों, मेरी एक और निवेदन है, कोरोना वायरस हिंदुस्तान में फैल रहा है, इसका विशेष ध्यान रखें और इसके उपाय मास्क वगैरह लगा के होली खेलें। राम राम साहब। डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल, चेस्ट रोग विशेषज्ञ व डॉक्टर रेणु अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ की ओर से सभी धौलपुर जिले वासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका परिवार सुखी, निरोगी और खुशहाल रहे। ग्राम पंचायत सादिकपुर भरे के समस्त ग्राम वासियों को एवं समस्त धौलपुर जिले वासियों को मेरी तरफ से एवं मेरे परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत मुबारकबाद। राम राम साहब। प्रदेश वासियों को और धौलपुर जिले के सभी वासियों को होली की शुभकामनाएं। ये समरसता का पर्व है जो आजकल वातावरण बना हुआ है, कटुता का, जाति और क्षेत्र की जो भिन्नताएं बनी हुई हैं उन सबसे दूर हट कर के हम सबका जीवन बहुत ही समरस रहे, समृद्ध रहे। होली के इस पर्व पर हम सब लोग इसी तरह के संदेश के साथ हमारा जीवन खुशियों से भरे और प्रभु नरसिंह जो भगवान हैं उनकी कृपा हम सब पूरे समाज पर बनी रहे और ये देश इस तरह से समृद्ध रहे। हम सब लोग इस देश की समृद्ध खुशहाली के अंदर में भागीदार बने। जय भारत। सभी को एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं हजारीलाल निषाद श्री राम सखा गोराज निषाद सेवा समिति राजा खेड़ा की तरफ से सभी जिले वासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही चल रहे कोरोना संकट को देखते हुए राजस्थान सरकार के आदेशानुसार इस वर्ष होली के पावन पर्व को घर पर रहकर ही स्वदेशी त्योहार मनाएं एवं राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनीकरण का सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोरोना का टीका लगवाएं। जय हिंद, जय भारत, जय निषाद राज। ऋषि गालव शिक्षण संस्थान धौलपुर के निदेशक मनोज त्यागी की ओर से समस्त धौलपुर जिले वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह होली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। मैं डॉक्टर धर्म सिंह मेनावर समस्त जिले वासियों को रंगों के महापर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं भाईचारे का यह त्योहार आपके जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशियां लाए। हैप्पी होली टू ऑल। मैं डॉक्टर अंशु भैनावर समस्त जिले वासियों को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ एवं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि यह त्यौहार आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाए। हैप्पी हॉलीडे। सखवारा सरपंच मुकेश रावत की ओर से सभी ग्राम पंचायत सखवारा वासियों को, धौलपुर जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को होली की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आप सभी के जीवन में भाईचारा व प्रेम भाव लेकर आए और आप सुख में रहें। आपका अपना मुकेश रावत, सरपंच सखवारा। ग्राम पंचायत हिनौता के सरपंच प्रताप कुशवाहा एवं राजस्थान रोजगार महासंघ के जिला अध्यक्ष उदय कुशवाहा की ओर से सभी ग्राम पंचायत वासियों को, बनिया क्षेत्र वासियों को व धौलपुर जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी होली भाईचारे के साथ कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए मनाएं तथा खुद को व अपनों को सुरक्षित रखें। हैप्पी होली। बहुरन सिंह परमार पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष बसेड़ी एवं अरविंद परमार उर्फ बंटू सरपंच ग्राम पंचायत बोरेली बसेड़ी की ओर से सभी ग्राम पंचायत बोरेली वासियों को, वसेड़ी क्षेत्र वासियों को एवं धौलपुर जिले वासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सभी से अपील है कि इस होली को भाईचारे, प्रेम और सौहार्द के साथ मनाएं तथा कोरोना गाइडलाइंस की पालना करें। हैप्पी होली।
जिला राजपूत सभा धौलपुर के जिला अध्यक्ष बिशंबर सिंह परमार एवं समाज सेवी कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार ममोधन बसेड़ी वालों की ओर से सभी धौलपुर जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को होली तथा भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह होली सर्व समाज के लिए सुख शांति आपसी भाईचारा प्रेम सौहार्द लेकर आए। राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश मंत्री बॉबी जगरिया पचगांव की ओर से सभी धौलपुर जिलेवासियों को एवं प्रदेशवासियों को होली के पावन पर्व त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सभी प्रेम से व आपसी भाईचारे और सौहार्द से आपस में कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए होली खेलें। हैप्पी होली। आदर्श पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई नवाब के प्रबंधक हरिओम त्यागी की ओर से सभी बसई नवाब क्षेत्रवासियों को एवं धौलपुर जिलेवासियों को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह होली आपके जीवन में खुशियों से रंग भर दे। हैप्पी होली। ग्राम पंचायत बसई नवाब के सरपंच वेद प्रकाश उर्फ बंटी सोनी की ओर से सभी बसई नवाब ग्राम पंचायत वासियों को सैपऊ क्षेत्रवासियों को एवं धौलपुर जिले वासियों को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं सभी ग्राम पंचायत वासियों से अपील करता हूं कि ग्राम पंचायत को स्वच्छ साफ और सुंदर बनाने में ग्राम पंचायत का सहयोग करें। हैप्पी होली। जारौली बसई नवाब निवासी अजमेर सिंह लोधी प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी सदस्य की ओर से धौलपुर जिलेवासियों एवं प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी से अपील है कि आपसी सौहार्द और भाईचारे से होली खेलें। हैप्पी होली। समस्त धौलपुर जिलेवासियों को रंगोत्सव होली के पावन त्यौहार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के चलते सभी विशेष सावधानी बरतें और अपना अपने परिवार का ख्याल रखते हुए होली का त्यौहार मनाएं। आप सभी प्रिय धौलपुर जिलेवासियों को भाजपा युवा मोर्चा परिवार की ओर से रंगोत्सव होली के पावन त्यौहार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह त्यौहार सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। कोरोना महामारी से सभी सावधानी बरतें, सरकार के नियमों की पालना करें। हैप्पी होली। सरपंच संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष व ग्राम पंचायत बेपरपुर के सरपंच रामनाथ पोसवाल की ओर से सभी बेपरपुर ग्राम पंचायत वासियों को मनिया क्षेत्र वासियों को एवं धौलपुर जिले वासियों को रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। होली आप सभी के जीवन में खुशियों के रंग भर दे और आपसी भाईचारा बना रहे। हैप्पी होली। भाजपा धौलपुर के नगर महामंत्री मुकेश सक्सेना की ओर से सभी धौलपुर जिलेवासियों को प्रदेशवासियों को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं सभी जिलेवासियों से अपील करता हूं कि मिलजुलकर प्रेम भाव से व आपसी भाईचारे के साथ कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए होली का पर्व मनाएं। प्रदेशवासियों को होली की पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को मिलजुल करके होली त्यौहार मनाना चाहिए। कोरोना को देखते हुए कोरोना के नियमों की पालना करते हुए होली सभी लोग मन प्रेम से खेलें, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन लेते हुए। जय जय राजे, जय जय राजस्थान। समस्त क्षेत्रवासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार होली को कोरोना की गाइडलाइन के तहत मनाएं और सभी से अपील है कि होली को घर में ही मनाएं, बाहर नहीं जाएं, भीड़ भप्पर वाले क्षेत्र में नहीं जाएं। होली को विशेष सभी क्षेत्रवासी एवं समस्त ग्रामवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। मैं मनीष कुमार सिंगल धौलपुर से सभी धौलपुर के जिलेवासियों को राजस्थान के प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं एवं आशा करता हूं कि सभी प्रदेशवासी कोरोना को ध्यान में रखते हुए बीमारी को और अपनी सुरक्षा रखते हुए परिवार की सुरक्षा रखते हुए इस त्यौहार को मनाएंगे। ऐसी आशा करते हुए आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप सभी जिलेवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खतरा अभी टला नहीं है, कोरोना से जंग जारी है। रंगों के इस त्यौहार पर सुरक्षा से रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। धन्यवाद। समस्त क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। रंगों के इस पावन पवित्र त्यौहार को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मनाएं और सभी दिल से इसका होली का आनंद लें। और इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें एक बार बधाई। राम राम साहब। मैं संजीव परमार, सैंपल। समस्त क्षेत्रवासियों को मेरी एवं मेरे परिवार की ओर से रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार होली के पर्व को मनाएं। बार बार हाथ साबुन से धोते रहें, मास्क का उपयोग करें। एक बार पुनः हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। राम राम साहब। हरीश पंडित, सैंपल। माँ भगवती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमो व मास्टर विद्याराम कॉलेज तसीमो के संरक्षक अरविंद शर्मा की ओर से सभी सैपऊ क्षेत्रवासियों व धौलपुर जिलेवासियों को रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि होली का यह त्यौहार आपके जीवन में खुशियों के ढेरों सारे रंग भर दे। हैप्पी होली। यादव सिंह लोधी सरपंच भैसेना एवं जिला महामंत्री लोधी महासभा धौलपुर व प्रवीण शर्मा ग्राम विकास अधिकारी भैसेना तथा चंद्रशेखर शर्मा जूनियर असिस्टेंट ग्राम पंचायत भैसेना की ओर से सभी धौलपुर जिलेवासियों एवं प्रदेशवासियों को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जिलेवासियों से अपील करते हैं कि होली के इस पर्व को भाईचारे हर्षोल्लास प्रेम के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाएं। हैप्पी होली। अशोक कुशवाहा सरपंच दहेरी मनिया की ओर से सभी दहेरी ग्राम पंचायत वासियों को, मनिया क्षेत्र वासियों को, धौलपुर जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस होली पर भगवान आपके जीवन में खुशियों के रंग भर दे। हैप्पी होली। श्री कन्हैयालाल कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन फूलपुर रोड मनिया के निदेशक सुशील शर्मा एवं मधुलिका शर्मा की ओर से सभी मनिया क्षेत्रवासियों को, धौलपुर जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस होली पर भगवान आपके जीवन में अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और खुशियों से भर दे। भगवान आपके जीवन को सुखमय बनाए। हैप्पी होली। ग्राम पंचायत बडरिया के सरपंच अतर सिंह गुर्जर एवं सरपंच प्रतिनिधि गजराज सिंह गुर्जर की ओर से सभी बडरिया ग्राम पंचायत वासियों को, बसड़ी क्षेत्र वासियों को एवं धौलपुर जिले वासियों को होली के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह होली आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम और भाईचारा लेकर आए। हैप्पी होली। सभी जिले वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही होली मनाएं। हाथ धोएं, मास्क लगाएं एवं सभी को होली की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त प्रदेशवासियों को होली की, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही सभी साथियों से निवेदन भी है, कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए घर में रहें, बाहर न निकलें, त्यौहार पर सद्भावना बनाए रखें। होली का त्यौहार आपसी मिलन का त्यौहार है, केवल घर पर रहें, घर पर ही रहकर होली का त्यौहार मनाएं। धन्यवाद। एवं आदर्श उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर धौलपुर की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। दोस्तों, सबसे यही आग्रह है कि कोरोना की गाइडलाइन की सभी पालना करें। कोरोना से बचाव दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए ज्यादा करें। सीताराम। सभी प्रदेशवासियों को होली की, भाई दूज की शुभकामनाएं। मेरा सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है,
कि होली को त्यौहार को घर पर ही मनाएं, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें। जय राम जी। अकील अहमद बॉबी पार्षद नगर परिषद धौलपुर एवं पूर्व प्रतिपक्ष नेता नगर परिषद धौलपुर की ओर से सभी धौलपुर शहर वासियों को एवं जिले वासियों को तथा प्रदेश वासियों को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। यह होली आपके जीवन में खुशियों के रंग भर दे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। हैप्पी होली। नगरपालिका धौलपुर के पूर्व चेयरमैन रघुवीर सिंह चौधरी व पूर्व पार्षद शैलेंद्र सिंह यादव की ओर से सभी धौलपुर शहर वासियों को, जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह होली आपके जीवन में खुशियों के रंग भर दे। साथ ही आपसे अपील करते हैं कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए होली मनाएं। हैप्पी होली। नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह व सभापति प्रतिनिधि एवं पूर्व उप सभापति निशांत सिंह की ओर से सभी धौलपुर शहर वासियों को, जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम धौलपुर शहर वासियों से अपील करते हैं कि शहर को साफ, स्वच्छ व सुंदर बनाने में नगर परिषद प्रशासन का सहयोग करें। हैप्पी होली।